एक्सरसाइज 1.4 का ये सेकेंड पार्ट है जो नए हैं मेरे वीडियो में, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन 7। इसमें क्या बोल रहा है हम लोग को करने के लिए, 6 क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ है, क्वेश्चन है बोला कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखते हैं वन बाय वन, यहाँ पे बिलोंग्स टू और सबसेट यही दो कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ए सेट है, ए सेट में कितना एलिमेंट है, 3। अगर यहाँ पे समझिए बात को, तो 1 2 3 मैं बिलोंग्स टू का सारा लिख देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 ये क्या है बोलेंगे, ए सेट से बिलोंग कर रहा है ये सारा। ये क्या है अंदर में, ये एक एलिमेंट होगा, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, 4 5 ए में बिलोंग कर रहा, 6 7 8 ये भी ए से बिलोंग कर रहा। अगर सबसेट का बात करें तो टोटल कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो हम पूरा सबसेट लिख रहे हैं कि ए का कितना सबसेट होगा, तो पहला तो 5 5 ही क्या है, एक 5 इज ए सबसेट ऑफ ए पहला। नेक्स्ट 1 2 3 का देखें, पहला एलिमेंट का, तो इसको अगर ए का सबसेट बनाना है तो ये तो एलिमेंट है, इसमें क्या करना होगा, मिडिल ब्रेसेस सबसेट ऑफ ए, इसका 4 5 मिडिल ब्रेसेस, ये तो एक एलिमेंट है मेरा, इसको मिडिल ब्रेस में पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा ए का सबसेट। फिर नेक्स्ट इसका अगर करें तो 6 7 8 है, 6 7 8 ये एलिमेंट है, इसको मिडिल ब्रेस में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा, 3 एलिमेंट हो गया। टोटल 3 एलिमेंट था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर n यानी 2 का पावर 3 8 सबसेट हमको लिखना है। अभी 3 4 हुआ ना, 1 2 3 4 हुआ, सिंगल सिंगल ले लिया, अब डबल डबल का पेयर बनाइए, तो हम 1 2 3 एक ये एलिमेंट है, फिर नेक्स्ट 4 5 दो एलिमेंट ले लिए, दोनों एलिमेंट को अब क्या कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इसको ले लीजिए, 4 5 4 5 क्या है, एक एलिमेंट है, फिर 6 7 8 भी एक एलिमेंट है, इसको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दिए तो ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। सिमिलरली ये और ये एलिमेंट ले लें अगर, तो यहीं पे मैं लिख दूं, 1 2 3 ये एलिमेंट है, 6 7 8 ये एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में पुट कर दिए तो ये क्या हो गया मेरा, ए का सबसेट हो गया। नेक्स्ट ये तीनों का एक सेट ए है, ये खुद का सबसेट होगा, तो मैं उसका लिखूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों एलिमेंट लिख के इसको कर्ली ब्रेसेस में पुट कर दिए, क्या हो गया, ये ए का सबसेट हो गया। अब 6 क्वेश्चन है, सारा कुछ आपको दिया हुआ, मैच कर लीजिए, देख लीजिए, 1 belongs to A है कहीं पे, 1 नहीं है तो क्या हो गया, फॉल्स। 1 2 3 ए का सबसेट है, सबसेट में देख लीजिए, 1 2 3 इसका मिडिल ब्रेसेस होना चाहिए था, इसका कर्ली ब्रेसेस है नहीं था, अगर यही रहता ना तो 1 2 3 हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, लेकिन ये सबसेट दिया हुआ है ये तो फॉल्स है, ठीक है। 6 7 8 बिलोंग्स में कहीं पे है ना, यह 6 7 8 मैच कर रहा है ये, तो ये ट्रू हो गया। 4 5 का कर्ली ब्रेसेस, 4 5 का कर्ली ब्रेसेस सेट ए से है ना, सबसेट है ये, तो ये ट्रू हो गया। बस आपको मैच करना है, सारा कुछ मैं लिख दिया हूँ, 5 ये सबसेट ऑफ ए है ना, ट्रू फॉर, ये तो मैं लिखा था फॉर्मूला, अच्छा 5 ये सबसेट ऑफ ए नहीं, बिलोंग्स टू ए है ना,
तो फाइव बिलोंग्स टू ए, कहीं पे बिलोंग्स में है कहीं फाइव नहीं, ये फॉल्स हो गया। ये सही है, फाइव ये सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया हम लोग का, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर एट, इसमें भी वही बोल रहा है हम लोग को करने के लिए कौन सा ट्रू और फॉल्स है। आपको एक सेट ए दे दिया है, तो मैं वही सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। इस सेट ए का जितना भी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, कौन सबसेट है, मैं लिख लेता हूँ। कितना एलिमेंट है टोटल, टू टू फोर और फाइव, बहुत ज़्यादा है ना। तो टोटल सबसेट अगर लिखिएगा ना, टू का पावर फाइव कितना हो जाएगा, 32। तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप खुद समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे करें। यहाँ पे देखिए, फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव एक एलिमेंट है यहाँ पे, बात को समझिए। फाइव यहाँ पे एलिमेंट है, फाइव यहाँ पे कोई सब सेट नहीं है। देखिए फाइव ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो जो भी एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा ना फाइव, तो ये क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ पे वन था, वन ये एलिमेंट है क्या कहीं पे, देखिए तो टू है, एक एलिमेंट वन फाइव है, एक एलिमेंट वन है, वन है लेकिन ये नहीं है, वन में कर्ली ब्रेसेस में वन नहीं है, तो ये बिलोंग टू नहीं करेगा, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। टू फाइव, टू फाइव कहीं पे है, सबसेट होना चाहिए, टू और फाइव हाँ सबसेट बन सकता है ना, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को आप मिलाकर टू और फाइव एक, टू एक एलिमेंट है, एक फाइव एलिमेंट है, ये दोनों मिला के एक सबसेट बना सकते हैं ना। ये जब सबसेट है किसका, ए का, ट्रू तो बोल रहा है यहाँ पे, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं 32 सबसेट नहीं लिखा, ये आप खुद फील करना है। फील क्या, मैं बता भी रहा हूँ कि कैसे होगा। टू इज अ सबसेट ऑफ ए, टू एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसेट, ये तो क्या है, फॉल्स है। टू और वन, टू एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है कहीं पे नहीं, तो जब ये एलिमेंट है ही नहीं और ये बोल रहा है कि ये सबसेट होगा ए का, तो सही बोल ही रहा है कि नहीं ये नहीं है। टू तो है, अगर यही इस सेट ए में अगर ये चीज रहता, सपोज मान लीजिए कि एक एलिमेंट रहता, तो टू और ये एलिमेंट मिला के एक सेट बना दिया गया है, तो ये ए का सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे तो ये मिडिल कर्ली ब्रेसेस नहीं है वन का, तो यहाँ पे सही बोल रहा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, टू एलिमेंट है इसमें, टू एलिमेंट का बात ही नहीं कर रहा, तो टू एलिमेंट यहाँ से कहाँ से आ जाएगा, जब है ही नहीं तो सबसेट ए नहीं है, सही बोल रहा है यहाँ पे, ये ट्रू है। वन एलिमेंट भी नहीं है, तो जब है ही नहीं तो सबसेट कहाँ से होगा, सही तो बोल रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फाइव एलिमेंट है यहाँ पे, ये भी है, वन फाइव ही है ना, तीनों मिला के फाइव, ये और ये तीनों एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बना दिया गया है, तो ये सेट ए का सबसेट होगा, ट्रू बोल रहा है ये। फाइव एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, अगर आप इसको ऐसा ही रखिएगा तो ये ए से बिलोंग करेगा, इसको अगर आप इसी एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में पुट कर दीजिएगा तो ये ए का सबसेट हो जाएगा, तो ये है ना, तो ट्रू बोल रहा मेरा, सिंपल है। इतना कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि आप लोग खुद से कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नाइन में ना आपको क्या करना है, टोटल पॉसिबल सबसेट जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन में करते आए हैं आप लोग को बताते आया हूँ, तो आप लोग के लिए इजी हो गया होगा करना। ये एक सेट है, सपोज मान लीजिए कि ये एक सेट है, तो ये सेट है उसमें एलिमेंट कितना है, एक ए, तो इसका टोटल सबसेट क्या होगा, फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू का पावर एन, एलिमेंट कितना है वन, तो
जितना एलिमेंट होगा वही ए एन होगा टू का पावर वन, कितना हो जाएगा? फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू होगा, आप इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। तो इसका सबसेट लिखिए, तो एक फाई एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, और ये खुद एक सेट है, ये सेट ए का ही सबसेट होगा। तो दो सबसेट निकल गया। सेकेंड, इसमें ये सपोज इसको भी मान लीजिए कि बी एक सेट है जिसमें जीरो वन दो एलिमेंट है, तो टू का पावर टू कितना आना चाहिए? फोर एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू का पावर टू फोर। तो क्या क्या हो? फाइव एक एम्प्टी सेट बी सेट का एक सबसेट होगा, फिर जीरो एलिमेंट है तो जीरो कर्ली ब्रैकेट पुट कर दीजिए, ये एक सेट बी का सबसेट होगा। वन एलिमेंट को कैलिब्रेशन पुट कर दें तो ये भी एक सेट क्या होगा, इस सेट का सबसेट, और ये खुद जीरो वन भी क्या है, खुद का सबसेट होगा। चार सबसेट निकल के आ गया। थ्री है टू का पावर थ्री, टोटल नंबर ऑफ सबसेट एट, तो आपको इसमें एट सबसेट लिखना है। कौन कौन सा होगा देख लीजिए, ए सबसेट ए एक सेट होगा, बी सेट सी सेट, सिंगल हो गया, अब डबल ले ले, ए बी ए सी बी सी और लास्ट बच जाएगा ए बी सी खुद का, ये सारा सबसेट हो गया। टोटल एट है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक क्या बच गया एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट आप यहाँ पे लगा दीजिए। दो एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फोर, क्या करेंगे जो भी एलिमेंट है सबको लिख दीजिए, वन और ये दोनों एलिमेंट है, कर्ली ब्रेसेस पुट कर देंगे, ये सबसेट कहला जाएगा। इसमें भी कर्ली ब्रेसेस पुट कर दीजिए सबसेट, ये सिंगल सिंगल का हो गया। फिर ये दोनों का मिलकर ये खुद का सबसेट, खुद का सेट खुद का सबसेट होगा, वन इसका ये हो गया ना, ये खुद का सबसेट होगा। तीन हुआ, एक बचा क्या लास्ट फाइव, चार सबसेट निकल के आ गया। ये देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट फाइव है, ये एम्प्टी सेट नहीं बोल रहा, बात को यहाँ समझिए। अगर ए इक्वल टू फाइव रहता तो बोलते ये एम्प्टी सेट है, लेकिन ये सेट में कुछ भी अंदर है वो तो एलिमेंट कहलाएगा, तो फाइ एक एलिमेंट है। तो इसका सबसेट निकाल लें तो एम्प्टी सेट इस सेट का सबसेट होगा और ये खुद, तो इसका दो सबसेट, कितना एलिमेंट था वन, तो टू का पावर वन टू सबसेट होना चाहिए, दो सबसेट है ना मेरा। तो ये सारा कुछ मैं पिछले क्वेश्चन में भी मैं करवाते चल रहा हूँ मैं कि कैसे हम सबसेट लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है आप लोग को करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर समझिए बात को, कि कोई एक सेट ए ले लिए वन टू जिसमें एलिमेंट दो है, वन और टू है, इसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट हम क्या बोले थे आपको, जैसे इसका सारा सबसेट लिख दें वन, ये सेट सबसेट कहलाएगा, फिर वन टू और एक क्या है फाइव, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हो गया। इसमें से ये क्या है, ये कौन सा सेट है, ये खुद ही है ना, एवरी एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा प्रॉपर सबसेट में, मैं बता चुका हूँ पहले भी, खुद वाला सेट का नहीं लिखना है, वो पार्ट हटा दीजिए, बाकी जो बच गया ना ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। तो वन बाय वन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वन टू यही है पहला का, टेन का फर्स्ट ये क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है एलिमेंट,
कोई सेट दिया हुआ, नेमिंग नहीं दिया हुआ है, तो बस दिया हुआ 1, 2, 3। एक थर्ड क्वेश्चन, तीनों मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेट 1 है, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना एलिमेंट है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8। 8 में से ये वाला माइनस कर देंगे, क्या होगा? 1, 2, 3। फिर दो डबल एलिमेंट का सेट बना 1, 2। फिर डबल एलिमेंट 1, 3 भी ले सकते हैं, 1, 2, 1, 3। फिर 2, 3 हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बच गया क्या? 5। हमको बस ये एलिमेंट नहीं लिखे हैं, 1, 2, 3। इसका सेट नहीं लेना, ताकि ये सबसे क्लियर ना। नेक्स्ट, ये एक ऐसा एलिमेंट सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 1, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लीजिए, तो टोटल सबसेट क्या होगा? एक 5 होगा और एक खुद का, तो ये खुद का सेट वो तो एलिमिनेट करना है ना, हटाना है, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा इसका? सीधा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 था ये मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा, यहाँ पे ये खुद उसी का एग्जांपल ले लिया मैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं, तो मैं इसको जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, या फिर यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है ना आपको, कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। इसी बेस्ड पे है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर आप देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट था, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? टोटल अगर यहाँ पे लिखे हम, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एलिमेंट कितना है? 2। अगर एलिमेंट 2 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? या फिर यहाँ पे लिख लीजिए, इफ एन इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n से फॉर्मूला है, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का बात कर रहे हैं, यही कहें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में हम क्या किए हैं? 3 ही है ना, 3 कैसे आया? 1 माइनस कर दिए हैं, इसमें से 1 माइनस कर दिए खुद के सेट वाला को, तो हम क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म, क्या लिखेंगे? 2 का पावर n, 2 का पावर n पे 4 आएगा। यहाँ पे भी ले लीजिए, मैं इसी का लिखने जा रहा हूँ, एलिमेंट कितना है यहाँ पे? 2 है, इसका मैं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका 4 होना होता था, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम ये वाला एलिमिनेट कर दिए, ये वाला नहीं लिखे, 1 माइनस कर दिए, सभी में 1 माइनस कर दिए हैं, तो इसमें क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का ये जनरल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया मेरा, तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 11 स्टेटमेंट क्या है? ए इज एनी सेट, कोई भी सेट ए है, तो प्रूव दैट इफ ए इज अ सबसेट और इक्वल टू 5, इंप्लाई दैट ए इक्वल टू 5, मीन्स ये प्रूफ करना है जब ये गिवन दिया हुआ है। तो एक बात बोलिए, चलिए मान लेते हैं लेट कोई एक सेट ले लेते हैं, कोई भी सेट 1, 2, 3, ठीक है। तो मैं इसमें ये तो बोल सकते हैं ना, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। और गिवन क्या दिया हुआ है? अगर कोई सेट है तो इम्प्लीसिट क्या होता है? कोई भी सेट का सबसेट होगा, तो मैं वही लिख दिया यहाँ पे। और गिवन और में क्या दिया हुआ है कि ए इज ए सबसेट और इक्वल टू 5, क्लियर। तो ये इक्वल टू का ना भी रहे तो कोई चीज़ नहीं, चलिए यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ 5 ये दिया हुआ है। तो ये दोनों जब केस मिल जाए ना, तो यहाँ पे समझिए बात क्या बोल रहा है, कि अगर कोई सेट ए ले लेते हैं 1, 2, या फिर सपोज मान लीजिए 5, 6, 7, और कोई बी सेट ले लेते हैं 6, 5, 7 दोनों, तो अब मैं बोलूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी,
ए बी का सबसेट है ना यहाँ पे, ऑर्डर डोंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और मैं और भी क्या बोल सकता हूँ, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, दोनों है ये, या तो ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो अगर कहे कि ए और दोनों, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों क्या है, इक्वल सेट है। यही यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। हम जनरल रिजल्ट जो पढ़े हैं, कोई एक सेट दिया हुआ है तो इम्प्री सेट उस सेट का सबसेट होता है, और गिवेन में ये है कि ए इज ए सबसेट ऑफ फाइव, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए और ए इज ए सबसेट ऑफ फाइव, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू फाइव। इसके अनुसार प्रूव्ड हो गया ना, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, यहीं पे बता दे रहा हूँ। 12 क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रूव दैट, तीन कंडीशन दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट और इक्वल टू बी, बी इज ए सबसेट और इक्वल टू सी, एंड सी इज ए सबसेट और इक्वल टू ए, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी। ये हमको प्रूफ करना है। तीन गिवेन दिया हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ ए। जब तीनों ऐसा रहे तो बोलेंगे कि ए इक्वल टू सी, यानी दोनों सेट क्या है, ए और सी दोनों इक्वल सेट होगा। तो कैसे, यही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं प्रूफ कर दूं, इसको प्रूफ करने के लिए, ए इक्वल टू सी को प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ये। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़, आगे बहुत बार यूज होगा कि कोई भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो ये दो कंडीशन हमको प्रूफ कर देना है। ये दोनों कंडीशन मिल जाएगा, ये यहाँ से ये मैं ये बता दिया, तो ये और ये हमको प्रूफ करना है। तो आप खुद सोच लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, कोई एक सेट ए है 1, बी हम सेट ले लेते हैं 1 और 2, तो हम बोलेंगे ना कि सेट ए है जो बी के सबसेट होगा, सबसेट या तो इक्वल टू, देखिए दोनों का मतलब क्या हो, ए या तो सबसेट होगा या तो इक्वल होगा। तो मैं एक कंडीशन तो अप्लाई कर रहा हूँ ना, यहाँ से बी का सबसेट निकालिएगा तो क्या होगा, अब या फिर सबसेट के लिए मैं क्या बोला हूँ, सेट ए का एलिमेंट 1 है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सी का एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जो सारा एलिमेंट हो, सी का हम ले लेते हैं 1 2 3, तो बोलेंगे ना बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब इससे इसे मैच करिए, बोल देखिए 1 इसमें भी है ना, तो इससे हम तो बोल सकते हैं ना कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल से यहाँ पे क्या माने, लेट, तो ये तीन एग्जाम्पल माने, तो हम इससे बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड से सो क्लियरली ए इज ए सबसेट ऑफ सी। और क्या है, बट गिवेन क्या दिया हुआ है, सी इज ए सबसेट ऑफ ए या सी इज इक्वल टू ए, बट सी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सी है, दोनों सबसेट जैसा दिखता है ना, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, लेकिन गिवेन क्या है, सी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो दोनों कंडीशन मिल गया ना, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सी एंड सी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू सी, प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। 14 और 15 वहाँ पे चेंज कर लीजिए, 11 12 लिख दिया होगा मैं मिस्टेक से, वो 12 और 13 था। तो 14 क्वेश्चन नंबर बोल रहा कि कोई सेट ए दिया हुआ है 5, द पावर ऑफ सेट ए, मीन्स पावर सेट क्या बोले थे कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो एक सेट है इसके 5 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 5, तो इसका पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, कुछ ही नहीं है इसमें, पावर ऑफ सेट थ्योरी पेपर वाला देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, 15 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल, और सेकंड में बोल रहा है सेट ऑफ ऑल आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ मैं बताया था ना, ये बताइए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल क्या है, एक ट्राइंगल का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे इसका यूनिवर्सल सेट, बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट क्या है, बिगेस्ट पॉसिबल, बिगेस्ट पॉसिबल सेट, सबसे बड़ा पॉसिबल, जितना से जितना बड़ा कोई भी फील्ड में हो। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो राइट ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल का पार्ट है, तो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब आप इस प्लेन है, इस प्लेन में कितना भी ट्रायंगल बना लीजिए, ऑल ट्रायंगल बोल रहा है ना, इसमें आइसोसेलस ट्रायंगल भी होगा, राइट ट्रायंगल भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, स्केलन, यानी जितना भी दुनिया का कोई भी ट्रायंगल होगा इसमें सारा सेट हम बना सकते हैं, उसी में तो ये बोल सकते हैं कि राइट ट्रायंगल होगा ना, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल नहीं है, इसका ये आंसर इसका भी यही होगा, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, यही, ठीक है ना। कुछ है नहीं इसमें, ये थ्योरी पेपर, थ्योरी कॉन्सेप्ट जब बताया था इंट्रोडक्शन, उसमें भी बताया हूँ मैं ये यूनिवर्सल सेट के बारे में, उसमें देख लीजिएगा, जो थ्योरी नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कंप्लीट हो गया मेरा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्या प्रूफ क्या करना है, दो सेट दिया हुआ है, सेट ये है एक्स वाई, प्रूफ करना है कि एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। ये तो ऐसा फॉर्म में है, इसको पहले तो सॉल्व तो कर लें। चलिए n क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर तो जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं अगर सपोज कि n इक्वल टू 1 लें तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 8 का पावर 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 7 ये सॉल्व कर लीजिए 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू 2 लें तो x कितना हो जाएगा, 8 का पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 15 ये 49 आएगा, 49 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 8 का पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1, तो ये 8 का क्यूब कितना आएगा, 512 22, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 09490 आ जाएगा। चलिए ऐसे भी आगे बढ़ते रहेगा तो मैं कितना चेक करूँ, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 तक लेके चेक करिए, फिर जनरल फॉर्म स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग। तो जब n का वैल्यू 1 है तो y कितना होगा, यहाँ पे पुट कर लीजिए 49 1 माइनस 1 कितना जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। y जब n का वैल्यू 2 है तो y कितना होगा, 49 2 माइनस 1 49 ही आएगा। n का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा, 49 3 माइनस 1 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये, चलिए इसी फॉर्म में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं x का कोई एलिमेंट लिखने लगूं तो 0 आ रहा है, 49 490 इस तरह से डॉट 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 जाएगा मेरा इनफाइनाइट तक, क्यों, नेचुरल नंबर n बोरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ए नेचुरल नंबर इन्फाइनाइट है, तो जो भी ये सेट बनेगा x का ये भी इन्फाइनाइट सेट बनेगा। y का सेट बनाइए रोस्टर फॉर्म में तो 0 आया, 49 and 49 into 2 ये भी आ गया मेरा, ये भी इन्फाइनाइट सेट होगा। तो एक बात करिए, चलिए x इज ए सबसेट ऑफ y, मतलब ये प्रूफ करने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ x शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट y, जितना भी x का एलिमेंट होगा इसमें y से बिलोंग करना ही चाहिए। तो अब x भी इनफाइनाइट है, y भी इनफाइनाइट है, तो पॉसिबल ही नहीं कि सारा सेट को मैं शो कर सकूं, है ना। चलिए
तो मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। देखो सोचिए, यहाँ पे जीरो मेरा मिल गया, 49 मिल गया है, 490 नहीं मिला है। अगर आप y का वैल्यू 49 तो आया है ना, अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते, मतलब कि यहाँ पे 20 पुट करते, अगर सपोज मान लिए कि n इक्वल टू 20 पुट करते, तो देखिए तो आता है क्या, नहीं n इक्वल टू 20 नहीं, n इक्वल टू 11 पुट करिए, तो y देखिए 49 11 माइनस 1 यानी 490 आएगा ना। तो जब ये 490 ये आया n के 3 वैल्यू पे ही, तो y में ये 490 आएगा ही आएगा, कब, जब n का वैल्यू हम कितना लेंगे, 11 लेंगे, तो आगे कहीं ना कहीं जाके 490 होगा। ठीक है, तो ये तीन केस से ये पता चला कि जितना भी एलिमेंट x का है वो सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सेट है। तो हम बोलेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट सेट वाई, सेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेट एक्स वी ऑल्सो बिलोंग टू सेट वाई, सो ऐसा जब होता है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकता है। प्रूफ हो गया मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो।